देखिए प्रश्न फर्स्ट है यहाँ पर, बोला 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड सचिवालय का क्रैश कोर्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रत्येक दिन मैथ्स के वीडियो मिलेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा जैसे सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ वही सारे प्रश्न रहेंगे, वही सारे प्रश्न का पैटर्न रहेगा जो जैसे सीजीएल में पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखते हैं ये फर्स्ट प्रश्न, विषम संख्या बोल रहा है लगातार, तो क्या ले सकते हैं हम लोग विषम संख्या। यहाँ पर देखिए लगातार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, उसमें क्या हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ एक्स एक्स प्लस, यहाँ इस तरह से लेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में बनाना हो आपको तो क्या करिए, देखिए यहाँ पर 84 है, औसत दिया हुआ है, इसको बीच बोलते हैं 6 लगातार है, तो 3 इधर होगा 3 इधर होगा, 6 लगातार, 84 के बाद कितना आएगा, ये 85 आएगा, फिर 85 के बाद 86 तो नहीं होगा क्योंकि वो सम है, यहाँ चाहिए क्या विषम चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 87 हो जाएगा, फिर 87 के बाद 88 नहीं होगा, ये 89 हो जाएगा, 3 इधर हो गया 3 इधर होगा, 84 के पहले क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, 82 नहीं होगा, 81 हो जाएगा, 81 के पहले कितना हो जाएगा यहाँ पर 79 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला औसत, जब भी औसत का बात बोले तो इसको बीच में रखना है, ये 84 दिया हुआ है और इस तरह से 6 संख्याओं का औसत यह है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 89 है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हुआ उससे आप। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, यदि एक थोक व्यापारी चॉकलेट का बॉक्स 1690 रुपया में बेचता है, कितना में बेचता है, 1690 रुपये में बेचता है, मतलब ये विक्रय मूल्य है, बेचना विक्रय मूल्य कितना है 1690, तो उसे 30% का मुनाफा होता है, मुनाफा लाभ होता है, लाभ कितना होता है 30% का लाभ होता है। अब वह इसे 2210 रुपये में बेचने का फैसला करता है, अब कितना बेचना चाहता है, वो 2210 रुपये में बेचना चाहता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत मांग रहा है क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं सिंपल क्या होता है, यहाँ पर लाभ होता है बटे क्रय मूल्य होता है गुने यहाँ पर 100 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्रय मूल्य है, सबसे पहले निकालते हैं कि वह कितना रुपये में बेच रहा था 1690 रुपये में, और 30 रुपये जब लाभ कर रहा था तो उसका विक्रय क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, सिंपल है, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख दीजिए, कोई फार्मूला नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ क्या लिख देंगे विक्रय मूल्य लिख देंगे, लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है 30%, तो यहाँ पर गुना कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 30% लाभ हो रहा है, तो लाभ को यहाँ लिखेंगे 130, 100 में जोड़ देंगे और ऊपर में लिख देंगे 100। ठीक है, ये क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 0 कट गया, 13 से 13 बार में कट जाएगा, ये आ गया 1300 रुपये इसका क्रय मूल्य, इतना में ये खरीदा था और 1690 में बेच रहा है, तो देखिए लाभ यहाँ से पता चल जाएगा, इसका लाभ जो हो जाएगा घटा दीजिए, 0 में 0 गया 0, 9 में 0 हो गया यहाँ पर 9, 6 में 3 गया 3, 390 रुपया जो है इसका यहाँ पर जो निकला है इसका ये लाभ निकला है, और ये लाभ कितना के बराबर है 30% के बराबर है, जो इसको 30% मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको चाहिए कि 2210 रुपया में जब बेचेगा, तो जब 2210 रुपये में बेचेगा तब देखिए कितना लाभ हो रहा है इसको, तो इसको यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर ये 2210 को 1300 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2210 है उसमें 1300 को घटा देंगे, 0 हो गया 1 हो गया यहाँ पर, 12 में 3 गया 9, मतलब जब इतना रुपया में बेचेगा तो इसको कितना लाभ हो जाएगा 910 रुपया, क्योंकि ख़रीदा कितना में है 1300 रुपया में, और बेचना चाहता है 2210 रुपया में, तो 910 रुपया इसको लाभ हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ लिख देंगे लाभ, इतना लाभ हो जाएगा इसका, क्रय मूल्य कितना है 1300 रुपया है, और गुना कर देंगे इसको 100 से, 20 से 20 चला गया, 910 को 1300 से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना बार में चला जाएगा 1300 से 91, ये 70% आ जाएगा इसको, इतना बेचेगा तो कितना लाभ होगा इसको 70%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह से विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ विक्रय मूल्य लिख देना है और गुना में ऊपर 100 लिखना है, नीचे जितना लाभ हो रहा है यहाँ पर लाभ लिखना है।
30 हो रहा है तो 100 में 30 जोड़ देना, यदि हाथ नहीं होता तो क्या करते हैं 100 में घटा देते हैं 30, तो कितना लिखते हैं 70 लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 9.25 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेले वही काम 74 दिनों में पूरा करते हैं। ये अकेले उस काम को कितना कर रहा है 74 दिनों में, दोनों मिलकर के कितना कर रहा है 9.25 दिन में। ठीक है, बोलते हैं यदि बी अकेले वही काम करता, सिर्फ बी ही करता वो काम को, तो उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, कोई काम है जिसको ए और बी मिल करके कितना दिन में कर रहा है 9.25 दिन में कर रहा है, और ये अकेले वो काम को कितना कर रहा है यहाँ पर 74 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब दोनों का जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 74 आ जाएगा, क्योंकि 9 ठी 72 और ये 4 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 72 2 74 74 ही होगा। देखिए एलसीएम नहीं जानते हैं तो वैसा संख्या लीजिए जो दोनों से कट जाए, आपका सही हो जाएगा, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ वो संख्या बैठा दीजिए जो दोनों से कट जाए, वही आपका कुल काम निकल जाएगा, मतलब टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो 74 से इसको 74 में भगा देंगे तो एक आएगा, दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसे भगा दीजिए 9 ठी 72 और यहाँ पर देखिए 2 74 मतलब 8 आएगा। ए एक दिन में एक काम करता है, दोनों मिल करके 8 काम करता है, तो यहाँ से देखिए ए बी मिल करके एक दिन में 8 काम कर रहा है, ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा 7 करेगा, 7 काम करेगा एक दिन में, कौन करेगा बी करेगा, लेकिन बी को ये पूरा काम करना है। बोलते हैं बी अकेले वही काम को करता तो उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो जो कुल काम रहेगा उसको इससे भागा दे देंगे, बी बी का एक दिन का काम से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 7 से भागा दे देंगे, देखिए 7 दें 70, 4 बचेगा, 4/7 दिन आ जाएगा, 7 सही 4/7, ये 10 सही 4/7, 10 सही 4/7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, यदि एक ए बोलता, देखिए इसका क्षमता से भागा दिया जाता है, एक का क्षमता एक दिन का कितना एक, तो एक से भागा देंगे मतलब ये 74 दिनों में करेगा, और क्वेश्चन भी बोल रहा है कि ये अकेले वही काम 74 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इस तरह के कुछ डिफिकल्ट प्रश्न देंगे जहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा, ये जैसे से सीजीएल के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ 6 से गुना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दुना यहाँ पर आ जाएगा 6 दुना 12x/7, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18/2 मतलब ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पर है बट्टे में कितना है 4 है, यहाँ पर 4, ये 37/ यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर देखिए 9/2 है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 9/2, अब यहाँ पर कुछ नहीं एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से 7 ये 12x, 9 सती कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और ये 7 नीचे आ जाएगा, ये 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों गुना कर दीजिए 7 दुना 14, इसको 2 से इसको 7 से ऐसे गुना कर देंगे, 7 दुना 14 के 4, 3 दुना 6 और 1 7 74 हो जाएगा, 9 सती 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं 14 दुना 28, और यहाँ पर हो जाएगा 14 में यहाँ पर 4 में 3 गया 1 बचेगा, और यहाँ पर 7 में 6 गया 1 बचेगा, मतलब यहाँ पर 11 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 12x-63, 63 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 63। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में कितना था 14 दुना 28, 2 था बट्टे में, यहाँ पर 2 को रहने दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए 3 कितना आ जाएगा 4 6 7 74 आ जाएगा, और ये 12x 2 उधर गुना हो जाएगा, 74 दुना कितना हो जाएगा 4 दुना 8, 7 दुना 14, 148, 148 को 12 से काट देंगे, कितना बार में जाएगा 12 एकम 12, बचेगा 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरा पूरी ये नहीं कट रहा है, 148/ कितना रहने देंगे यहाँ 12 रहने देंगे। ठीक है, ये आंसर नहीं आ रहा है, कहीं पे यहाँ पर मिस्टेक होगा, क्योंकि 148 तो को ऑप्शन में नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुआ देखिए,
यहाँ पर डायरेक्ट इसको 63 को इधर भेज दिए थे, पहले यहाँ पर दो था हम लोग के पास, पहले दो भेजना होगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इधर करते हैं इसको, ये था हम लोग का 12x-63, ये जो दो था यहाँ 14 दूना 28, ये दो को पहले उधर भेजना पड़ेगा। यहाँ कितना बचेगा 11, 11 को दो से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। अब 12x बराबर ये 22 में 63 चला जाएगा, तो 3 2 5 6 2 8 ये 12x, तो x बराबर आ जाएगा 85/12 आ जाएगा ठीक है। ये 85/12 देखिए ऑप्शन कौन मिल रहा है, ये माइनस में है, 85/12 ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट इसको उधर भेज दे रहे थे ठीक है। जब आप शॉर्ट कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना, बोला है दो वृत्तों के जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ, देखिए दो वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, अलग अलग केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इन वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जब भी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मांगा जाए और दो वृत्त दिया हुआ रहे उसका त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो केंद्र के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें दोनों त्रिज्याओं को जोड़ करके और उसका स्क्वायर से घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 5 11, देखिए आधा आधा यहाँ है, मतलब 12 का स्क्वायर और इसका रूट चढ़ा दिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 169 में 12, यहाँ 144 रह गया, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की बजाय 30 किलोमीटर पर आवर पर चलता है तो वह उसी समय में 3.6 किलोमीटर अधिक चला होता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर 18 किलोमीटर बजाय वह 30 किलोमीटर पर चला होता, ये क्या दिया हुआ है, इसका चाल दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं सिंपल चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहाँ पर अगर हम लोग निकालें समय बराबर निकालें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यदि समय बराबर निकालेंगे हम लोग, यहाँ बोलता है इतना दूरी अधिक चला होता ठीक, 3.6 किलोमीटर अधिक चला होता, ये क्या है दूरी, तो दूरी निकाल लेते हैं, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, यहाँ से दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना ये समय हो जाएगा। अब देखिए चाल हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ये चाल देखिए 30 दिया हुआ है और समय यहाँ पर पता नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं, तो ये समय ये चाल गुने समय, ये बड़ा वाला दूरी हो गया, फिर देखिए छोटा दूरी क्या है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा चाल गुने समय, चाल कितना 18, समय कितना एक्स मान लेते हैं समय, बराबर देखिए इधर भी क्या दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है 3.6, मतलब ये दूरी बराबर दूरी करके हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या है दूरी है, दूरी का अंतर और इधर दूरी के बराबर कर दिए हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो देखिए 30 में 18 चला गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा 12x बराबर 3.6। अब यहाँ पर x बराबर निकाल लेंगे तो 3.6/2 ये 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसको काट सकते हैं 0.3 बार में, ये हम लोग का क्या आ गया x बराबर, x किसको माने थे हम लोग, तो यहाँ पर समय को माने थे ठीक है, तो ये आ गया इतना घंटा आ गया 0.3 आवर आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, बोलता है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर देखिए चाल गुने समय, चाल कितना है तो देखिए चाल यहाँ पर ये 18, वास्तविक चाल पूछ रहा है पहले कितना था 18 था, समय समय कितना 0.3, यहाँ से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 5.4 किलोमीटर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्या किया, जब भी इस तरह के प्रश्न हो या आपको किसी भी तरह का प्रश्न हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे ये हो, चाहे ब्याज आपको कुछ भी हो, आप ब्याज बराबर ब्याज कर दीजिए वहाँ से भी निकल जाएगा, समय बराबर समय कर दीजिए, दूरी बराबर दूरी कर दीजिए, चाल बराबर चाल कर दीजिए और जो एक्स माने रहेंगे वहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ भी वही किए हैं हम, क्या किए हैं, बोल रहा था उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, यहाँ दूरी बराबर दूरी कर दिए, दूरी क्या किए, बड़ा दूरी में छोटा दूरी को घटाएं, और बोलते हैं कितना अधिक, तो जो अधिक दिया हुआ था यहाँ पर लिख दिए और यहाँ से उसको निकाल लिए ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट जिस तरह से JSSC CGL में प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरह से प्रश्न लिए हैं, इसलिए आप तैयारी करते रहिए और डबल बार रिपीट करके आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि इधर उधर का क्वेश्चन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट एग्जाम रहता है ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।